नमस्कार दोस्तों, मैं अनूप भाटिया, चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाजिर हूँ आपके सामने इनकम टैक्स के डिस्कशन के अलावा आईबीसी से रिलेटेड डिस्कशन लेकर के। मैंने सर कुछ दिनों पहले आईबीसी इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016 पर आपके साथ अपनी पहली वीडियो शेयर करी थी, जिसमें मैंने डिटेल्स में ये डिस्कस करने की कोशिश करी कि आईबीसी 2016 क्यों लेकर के आए, इसके पीछे क्या भावना है और इस एक्ट से क्या पर्पस सॉल्व किया जा सकता है। सर मैं उसी डिस्कशन को सर आगे बढ़ा रहा हूं और अब आपके साथ इस एक्ट की निटिग्रिटी, उसके टेक्निकल पॉइंट्स, उन पर धीरे धीरे अपन डिस्कशन करना शुरू करेंगे। तो सर आईबीसी के अंदर जो ये पक्ष है कि कौन व्यक्ति आईबीसी में इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड में एप्लीकेशन कर सकता है और किस व्यक्ति के ऊपर ये लॉ लागू होता है, तो पहले मैं इस पर चर्चा करता हूं सर कि किस व्यक्ति के ऊपर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड लागू होता है। इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड अगर देखा जाए तो सर कंपनियों के ऊपर, एलएलपीस के ऊपर, फर्मों के ऊपर, यहां तक इंडिविजुअल्स के ऊपर भी लागू है सर, और ऐसे व्यक्ति जो गारंटी देते हैं किसी के लिए उनके ऊपर भी लागू है। लेकिन अभी के लिए सर, फॉर टाइम बीइंग, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड कॉरपोरेट्स के ऊपर, एलएलपीस के ऊपर, इनके ऊपर सर लागू है और इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फॉर्म के लिए इसे अभी नोटिफाई नहीं किया गया। तो इसका मतलब सर, यदि मैंने आपसे कोई 10 लाख रुपए लिए और मैं उसका भुगतान नहीं कर पा रहा और आप सोचते हैं कि ठीक है मैं अनूप भाटिया पर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में प्रोसीडिंग ले आता हूं, तो आज की डेट में सर अभी फिलहाल आप ऐसी प्रोसीडिंग नहीं ला सकते। चलिए अपनी गियर को चेंज करते हैं। तो इसका मतलब यदि मेरी एक कंपनी है एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, और एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने आपसे 1 करोड़ का लोन ले लिया और उस 1 करोड़ का भुगतान एबीसी प्राइवेट लिमिटेड नहीं कर पा रही, तो अब आप चाहे एक इंडिविजुअल हैं, आप चाहे एक पार्टनरशिप फॉर्म है, आप चाहे एक कंपनी है, आप मेरी कंपनी एबीसी प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर एक इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट की प्रोसेस लेकर के आ सकते हैं। ठीक है, अब सर क्या आप मेरे ऊपर एज अ कंपनी, यदि मैं हूं और आप कोई प्रोसीडिंग लाना चाहते हैं, तो क्या आप तभी ला पाएंगे क्या जब आपने मेरे को पैसा उधार दिया है? और क्या वो पैसा जो आपने उधार दिया, यदि आपने बिना ब्याज दिया तो भी आप केस लॉ सकते हैं क्या? ऐसे ही मान लीजिए आपने कोई पैसा नहीं उधार दिया, आपने तो मेरे को सप्लाई की है गुड्स की, या आपने मेरे को कोई ऑडिट सर्विसेज दी है और मैं उसका भुगतान नहीं कर रहा, तो क्या ऐसी परिस्थिति में भी आप मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट में प्रोसीडिंग ला सकते हैं क्या? तो सर, हु कैन बी एन एप्लीकेंट, दिस इज टू बी आंसर्ड विद रेफरेंस टू सेक्शन 6789 ऑफ द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड 2016। वो ये कहता है सर कि इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी की प्रोसीडिंग्स में आइदर अ फाइनेंशियल क्रेडिटर कैन बी एन एप्लीकेंट, और एन ऑपरेशनल क्रेडिटर कैन बी एन एप्लीकेंट, और इवन एन ऑपरेशनल डेटर कैन ऑल्सो बी एन एप्लीकेंट। समझिएगा सर इस बात को, यदि आपने मेरे को 1 करोड़ दिए मेरी कंपनी में और मैं उसका भुगतान नहीं कर पा रहा, चाहे उसके ब्याज का चाहे उसके मूल का, और मिनिमम डिफॉल्ट 1 लाख रुपए का है, तो आप मेरे अगेंस्ट में आईबीसी की प्रोसीडिंग्स लेकर के आ सकते हैं। दूसरा, आपने मुझे गुड्स या सर्विसेज सप्लाई करी है और मैं उन गुड्स या सर्विसेज का भुगतान नहीं कर पा रहा, एंड देर इज एन आउटस्टैंडिंग एंड देर इज नो डिस्प्यूट रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग, आप मेरे ऊपर इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स ला सकते हैं। तीसरा, मेरी कंपनी ही इस हालत में नहीं है कि किसी फाइनेंशियल क्रेडिटर या ऑपरेशनल क्रेडिटर का भुगतान कर पाए, या किसी भी वजह से मैं चाहता हूं कि नहीं साहब अब मेरे से आगे ये कंपनी चल नहीं पाएगी बिकॉज ऑफ द वेरियस रीजंस ऑफ फाइनेंशियल कंपल्जेंस एक्सेट्रा, देन मैं भी अपने लिए ही इंसॉल्वेंसी के अंदर एप्लीकेशन लेकर के जा सकता हूं बिफोर एनसीएलटी कि साहब मेरी कंपनी के केस में एक सीआईआरपी, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस शुरू कर ली जाए। तो सर ये तीन व्यक्ति इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी के प्रोसीडिंग्स के अंदर एप्लीकेंट हो सकते हैं। तो सर आज के डिस्कशन में मैंने अपने डिस्कशन को सीमित रखा है कि हु कैन बी एन एप्लीकेंट इन द इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोर्ट, और यदि हम इस बात को समझ जाते हैं तो हम ये डिसाइड कर पाएंगे कि हम किस व्यक्ति के अगेंस्ट में और किस कैपेसिटी में एक एप्लीकेंट बन सकते हैं आईबीसी के लिए। मैं सर अपने अगले डिस्कशन में और टेक्निकल डिस्कशंस आपके सामने लेकर के आऊंगा। आज के लिए मैं यहीं समाप्त करता हूं। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।